Hello everyone, and once again welcome to Digital Marketing Course by WsCubeTech. Myself Umar Taskeer. Guys, इस particular module में, इस particular section में हम लोग सीख रहे हैं content marketing. और जब हम बात करते हैं content marketing की, तो वहाँ पर content हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है. और कितने तरीके content होते हैं, क्या क्या अलग अलग formats हो सकते हैं content की, इन सारी चीज़ों को हम लोग discuss कर चुके हैं. यानी हम बात कर चुके हैं content की, यानी कि what is content. ठीक है, इसको हम लोग समझ चुके हैं. कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं. मतलब डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने इसकी समझ ली है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट क्या होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं, इनको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट क्या होते हैं. क्या इसी को हम दूसरा नाम देना चाहें कि अलग अलग जो फॉर्मेट्स ऑफ कॉन्टेंट हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ कॉन्टेंट क्या होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से अगर आपको याद दिलाऊँ, तो ई बुक्स जो हैं हमारा एक फॉर्मेट ऑफ कंटेंट हो सकते हैं. वीडियो जो है वो हमारे एक फॉर्मेट ऑफ कंटेंट हो सकते हैं. इमेजेस जो है वो भी हमारे एक फॉर्मेट ऑफ कंटेंट हो सकते हैं. ब्लॉग जो है वो भी हमारे एक फॉर्मेट ऑफ कंटेंट हो सकते हैं. अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, वो ये कि कंटेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा. यहाँ कॉन्टेंट है, यहाँ कॉन्टेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिनकी हम लोगों ने अभी बात करी. मैं दो लिख देता हूं यहां पर, जैसे एक बात है वीडियो की और एक बात है इमेजेस की. अब कंटेंट गाइस जो हम लोगों ने बनाया है, वो किसी ना किसी बिजनेस के लिए बनाया होगा, क्योंकि यहां पर हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस की, बिजनेसेस के प्रमोशन की थ्रू सोशल मीडिया. तो हम एक बार ये समझ सकते हैं कि हमने कंटेंट किसी बिजनेस के लिए बनाया होगा. हाँ, आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि ये कंटेंट इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई बिजनेस हो. कोई इंडिविजुअल है, कोई फ्रीलांसर है, ठीक है, फ्रीलांसर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. कोई फ्रीलांसर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसका भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है, उसका भी कंटेंट हो सकता है. तो जो वो कंटेंट बनाता है, वो किसी ना किसी फॉर्मेट में बनाता है और किसी ना किसी नेचर का कंटेंट होता है. अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में भी बड़ी सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि वो बिजनेस टू अगर हम बात करें कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस टाइप है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, या बी टू बी है, ठीक है, या जैसे मैंने एग्जांपल लिया इन्फ्लुएंसर है. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझना है कि जो कंटेंट यहाँ पर तैयार हुआ वो किस टाइप के बिजनेस के लिए है, ठीक है, किस टाइप के बिजनेस के लिए. अब हम बात करते हैं कि हमने कंटेंट जो है बना लिया, हमने फॉर्मेट्स डिस्कस कर लिए, सब चीज़ है. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर उसे हम लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे, उसे मार्केट करना शुरू करेंगे, एक शब्द हम यू भी यूज कर सकते हैं, उसे हम मार्केट करना शुरू करेंगे, तो सोशल मीडिया के किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्या सबके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस. हम लोग दो चीजों को साथ में लेके चलते हैं. दो चीजें ये हैं कि हमने जो कॉन्टेंट का फॉर्मेट बनाया है वो किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन हो रहा है. यानी कि हमने जो कंटेंट का फॉर्मेट बनाया है वो किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलाइन हो रहा है. जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मैंने ये कहा इमेजेस और यहां पर मैंने लिखा वीडियोस, ये कंटेंट के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, ये दो कंटेंट के फॉर्मेट्स हैं. एक हो गए हमारे इमेजेस और सेकेंड हो गया हमारा वीडियोस, राइट. और यहां पर मैं बात कर रहा हूं हमारे जो कंटेंट के प्लेटफॉर्म है, ये क्या था गाइस, ये था फॉर्मेट. तो इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए. और अगर हम कंटेंट प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कंटेंट प्लेटफॉर्म में मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब और दूसरी बार मैं लिख देता हूँ यहाँ इंस्टाग्राम. एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब और दूसरी बार मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टाग्राम, और ये हो गए हमारे कंटेंट फॉर्मेट, ठीक है. तो अब बताओ मैपिंग किस तरीके से होगी, यानी कौन सा फॉर्मेट का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको क्या लग रहा है ठीक रहेगा. क्या मैं वीडियोस को इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दूं, अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइज हो जाऊं, ये वीडियो है 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का वीडियो है, क्या मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूं, क्या मैं इसको यूट्यूब पे डालूं? तो आपका आंसर ये होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज ठीक नहीं है. अगर हम वीडियोस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली हमें यूट्यूब की तरफ जाना चाहिए, पहले हमें यूट्यूब को टेस्ट करना चाहिए अगर हम वीडियोस की बात कर रहे हैं. तो अगर वीडियो एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट है हमारे पास, तो हमें पहले कहाँ पर जाना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर. अगर हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, एच डी इमेजेस हैं, अच्छी इमेजेस हैं, तो इन दैट केस हमें कहाँ पर जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट गाइस. तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट फॉर्मेट ही समझ लेना जरूरी नहीं है. कि आपको ये पता चल गया कि हम किस कंटेंट फॉर्मेट में जो है कंटेंट बनाएंगे या किस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे. ये जो फॉर्मेट है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है.
तो यहां पर दो चीजों के बजाय तीन चीजें पिक्चर में आ गई, तीन चीजें हो गई अब यहां पर, यानी कि हमारा बिजनेस क्या है, किस नेचर का हमारा बिजनेस है, उसके हिसाब से हम कंटेंट फॉर्मेट डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम कंटेंट का प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे। तो अलग अलग कंटेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से हम अलग अलग कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों हैं हमारे सामने, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब के ऊपर सबको पता है कि अगर हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें वीडियो कॉन्टेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और वीडियो कॉन्टेंट में भी हम बात कर रहे हैं अगर, तो अगर हमारा कोई बिजनेस जो ट्यूटोरियल ओरिएंटेड है, जैसे कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब की हम प्रॉपर फनल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंटेंट पोस्ट करेंगे ये हमें हमारे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो गाइस फेसबुक में दो तीन चीज़ें, जैसे फेसबुक के ऊपर जब हम कंटेंट डालते हैं दोस्त, तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारी फेसबुक की प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल हमेशा गाइस इंडिविजुअल लेवल पर होती है, प्रोफाइल हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर होती है, मतलब इंडिविजुअल की मेरी प्रोफाइल होती है, किसी कंपनी की प्रोफाइल नहीं होती है फेसबुक के ऊपर, प्रोफाइल हमेशा इंडिविजुअल की होती है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है दैट इज बेसिकली पेज, पेज जो है वो किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इन्फ्लुएंसर को, ठीक है, या किसी सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कंटेंट हम अगर फेसबुक के ऊपर सोच रहे हैं कि हमें फेसबुक के ऊपर कंटेंट डालना है, इन दैट केस हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन है, हमारे पास पेज का ऑप्शन है, और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास ग्रुप्स का ऑप्शन। ग्रुप्स, फेसबुक के अपने ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप्स जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि ये ग्रुप पब्लिक हो सकते हैं और ये ग्रुप प्राइवेट हो सकते हैं। मतलब आप ओपन नहीं है, ओपन टू ऑल नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर प्राइवेट है तो ओपन टू ऑल नहीं है, अगर आपको परमिशन दी जाएगी तभी आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब ये बहुत पावरफुल चीज है, आज के टाइम में कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ही फेमस चीज है। फेसबुक ग्रुप में अगर हम बात करें कम्युनिटी बिल्डिंग की, तो कम्युनिटी बिल्डिंग जो है बहुत ही पावरफुल चीज हो चुकी है आज के टाइम में फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब प्रोफाइल्स और पेजेस उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जितना अच्छा काम कम्युनिटी बिल्डिंग कर रही है। तो अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं, ठीक है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं, तो मेरे लिए ये जो ग्रुप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रुप बनाऊंगा, कम्युनिटी बनाऊंगा, लोगों को उसमें ऐड करूंगा, फ्री वैल्यू दूंगा, उसके बाद उन्हें मैं अपने पेड कोर्सेस सेल आउट करूंगा। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ जो प्लेटफॉर्म है इसको सिंक्रनाइजेशन कराया हम लोगों ने, राइट। उसके बाद मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर हम थर्ड आए तो इंस्टाग्राम ने अभी टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम रील्स जो है उसको लॉन्च कर दिया, और आप बिलीव नहीं कर सकते गाइस कि रील्स के ऊपर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कितना पावरफुल है। यानी कि आप पोस्ट डालो, चांसेस हैं कि वो वायरल हो जाए, आप वीडियो शॉर्ट वीडियो डालो, चांसेस हैं कि वो वीडियो वायरल हो जाए। दिस इज द पावर ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक एक वीडियो के ऊपर लाखों लाखों व्यूज पॉसिबिलिटी है, लाखों के एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटीज है, लाइक्स कमेंट्स की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच है। फिर इंस्टाग्राम ने क्या किया, अभी जब उसने अपना रील्स जो है लॉन्च किया तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो दूर तक भेजने की कोशिश कर रहा, उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा। अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो तो उसको रोक नहीं रहा है, उसको रीच दे रहा है, अगर उसके ऊपर लोगों के इंगेजमेंट आ रहे हैं तो और ज्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि इन्होंने नई चीज लॉन्च की, राइट। तो रील्स को इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो हमारे पास अगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है, 15 सेकेंड का वीडियो है अगर हमारे पास, देन वी शुड गो फॉर रील्स। अगर हमारे पास 1 मिनट का वीडियो है, देन हम उसको प्रॉपर एडिट करके, देखो इंस्टाग्राम पे आपको एडिटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर जैसे ये बीच में वीडियो चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियोस आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक एंड्रॉइड में बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हैं, इन शॉर्ट्स जो है इसको आप यूज कर सकते हैं, और इस टाइप के जो वीडियोस हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की वीडियो है आपके पास, 1 मिनट के अराउंड का कंटेंट है, तो आप इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं या डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम
फीड के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के भी कंटेंट का टाइप समझ में आया। अब क्या ये जो आप कंटेंट देख रहे हो, क्या ये कंटेंट यहाँ यूट्यूब पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो कंटेंट का फॉर्मेट ये डिसाइड करता है कि उसे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, या वो प्लेटफॉर्म किस टाइप के बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, किस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करता है, ये डिसाइड करता है कि उस पर कैसा कंटेंट आएगा। और आपको एज कंटेंट मार्केटर या कंटेंट मार्केटिंग की अप्रोच अगर आप रख रहे हैं तो इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर इज लाइक अ न्यूज़पेपर, ठीक है? आपको ऐसे समझना है, ट्विटर इज लाइक अ न्यूज़पेपर। अगर आपको ट्रेंडिंग चीजों को ध्यान रखना है, ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करना है, देन इन दैट केस आप ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलरली ट्विटर के ऊपर आप ट्वीट्स वगैरह कर सकते हैं, राइट? तो ये है ट्विटर की कहानी। अब यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट है, तो आप बड़ी लंबी चौड़ी चीजें तो यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो इन केस आप मोटिवेशनल कोट्स या कुछ जो ट्रेंड में चल रहा है उसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, हमेशा ट्रेंड्स में रहना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर को यूज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चार प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लिया। कोरा इज बेसिकली क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर भी आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में आपसे प्रैक्टिकली भी बात करूंगा। उसके बाद लिंक्डइन। लिंक्डइन बेसिकली एक तरीके का प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो अगर आपको अपनी प्रोफेशनल ब्रांड बनानी है, ठीक है, प्रोफेशनल ब्रांड मींस अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कंपनी क्या सोचती है, उसके जो विजन मिशन है उस कंपनी के, वो उसके लिंक्डइन पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो एड्स हैं, एड्स मतलब पेड एडवर्टाइजिंग करना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर प्रिफर नहीं करते। एंड द रीजन इज इट इज वेरी कॉस्टली, इसकी वजह से नहीं करते। पिंटरेस्ट, कई बार ये चीज आई है कि पिंटरेस्ट इज वुमेन ओरिएंटेड, ठीक है? और अगर आप कुछ इस टाइप से जो हम बात करें बुटीक टाइप के जो बिजनेसेस हैं, अगर आप उनमें हैं, देन इन दैट केस पिंटरेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। वर्डप्रेस की मैं बात करूं, ब्लॉग के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंटेंट, या मैं कहूं एवरग्रीन फॉर्म ऑफ कंटेंट, जैसे रील्स आया। रील्स की बात करें तो रील्स अभी आया, हमेशा से नहीं था, बट ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ब्लॉग टेक्स्ट प्लस इमेजेस का एक ऐसा फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो एवरग्रीन फॉर्म ऑफ कंटेंट है, और ब्लॉग्स को भी आप यूज कर सकते हो बहुत सारे पर्पजेस के लिए। ब्लॉग्स को आप अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हो, ब्लॉग्स को आप कंसिडरेशन के लिए यूज कर सकते हो, अपने एफिलिएट के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो हमारे अलग अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट है उनको किस तरीके से हम मैप करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के साथ, उन्हें हमें समझना होगा। कोई भी चीज कहीं पर नहीं चलेगी। अगर एक लाइन में मैं इस पूरे वीडियो का आपको सार बताना चाहूं तो आपको ये समझना है कि कहीं भी कोई भी चीज नहीं चलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का जो कंटेंट है वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट सूटेड है, उस वक्त किस टाइप का प्लेटफॉर्म किस टाइप के कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। जैसे आज की डेट में बात करें तो इंस्टाग्राम प्लस रील्स डेडली कॉम्बिनेशन, बट क्या आपका बिजनेस रील्स पे जाने लायक है? क्या वहां पर जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को यूट्यूब के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या सेम उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को रील्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना, इसको आपको फिगर आउट करना। सो गाइज, आई बिलीव अभी आपको ये जो कंटेंट और सोशल मीडिया मैपिंग है ये समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।